जी सर, आप क्या नाम है? मेरा नाम खान अली अब्बास है। आप कहाँ से आए हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता लगा? 6 महीना पहले मैं नेटिव प्लेस में आया था लखनऊ में, तो हमारे दोस्त हैं लक्ष्मी नारायण और विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह को भी यही प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भैया तुम यहाँ आ जाओ, आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन हम तो बॉम्बे में रहते थे, तो फिर बाद में कोविड होने की वजह से वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करा पाए। फिर ये ऑप्शन था कि मतलब भैया से पूछा गया, नहीं बोले पेशेंट को लेके आओ, तो फिर हम लक्ष्मी नारायण जी ने हमको बोला कि आपको सर के पास जाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे आए जी। और आपने यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण सर ने आपको बताया था हमारे हॉस्पिटल के बारे में, आपको यहाँ आकर कैसा मिला? देखिए, उन्होंने जो कुछ बताया था उसको मैं इना उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। ओके। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था वो उन्होंने अच्छे से समझा, तो यहाँ मैं किसकी तारीफ ना करूं मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर मैं इमरान की बात, इरफान की बात करूं, आपकी बात करूं, मैडम की बात करूं, और वो जो भाई साफ करती है, जो स्वीपर बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो सफाई इस तरह से करती है जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है, तो मैडम यहाँ पे जो भी आपने प्लान किया हुआ है, दिस इज वन टाइप ऑफ द प्लान। मैं अम्बाला सिटी में नहीं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, लेकिन इतना एस्टेब्लिश, इतना सुंदर, आपका मेरी तरफ से आउटस्टैंडिंग ग्रेड है, ईच एंड एवरीथिंग टॉप टू बॉटम, कहीं भी हम फेल नहीं हुए, सभी ने इस तरह से समझाया कि आप सर राइट टाइम पे आए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। अगर कोई ये कह देता आप देर से आए हो तो शायद मैं इस पोजीशन में नहीं होता, और मैं टीचर हूं तो जो भी डॉक्टर है, जो भी इंजीनियर है, जो भी एपीजे अब्दुल कलाम है, उसका कोई ना कोई टीचर है, तो ये गॉड ब्लेसिंग है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने मुझे टीचर बनाया, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ अस। और आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि देश सेवा करना है तो जर्मनी की बॉर्डर पे चले जाओ, देश सेवा करना है तो राणा हॉस्पिटल में भी रह के आप कर सकते हो, जहां आप सर्टिफाई हो जाओ। मैडम मुझे इतना पेन होता था, इतना पेन होता था, बॉर्डर पे जो सेना गोली खाती है ना, वो गोली खाने के बाद में वो अमर हो जाती है, उसका पेन उसको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पेन मैंने बेयर किया है मैं उसको स्पेयर नहीं कर सकता, वाइफ को भी नहीं बता सकता, बेटे को नहीं बता सकता, यार असली क्या हो रहा है, बट आई कांट एक्सप्लेन। तो राणा सर ने, या जो भी सर है का नाम जो भी है, डॉक्टर सूरी साहब ने जो ट्रीटमेंट दिया है, मैं तो बोलता हूं कि अगर एक बड़ा बड़ा बाग है तो वो उसके एक फूल है, और ये सब जितने लोग हैं ना उसके माली हैं, और मैं समझता हूँ उनके अपसेट में भी सब काम होता है, उनके अपसेट में भी भाई का देखता हूँ, सिस्टर बोलता हूँ। वन एग्जांपल, सुबह मुझे पोटी आई तो इरफान को मैंने कहा, तो बोले सर आप पोटी कीजिए, तो पहले वहां पे कुछ लगा हुआ है, तो बोले सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लग जाएगा, हम साफ कर देंगे, तो बोला नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, बोलता नहीं सर वो हमारा काम है। तो मतलब ये चीज को तो घर वाले भी इस तरह से ये नहीं करते, तो उन्होंने बोला हम साफ कर देंगे, तो उन्होंने बोला कि आप पोटी कीजिए, प्रेशर से निकल जाएगा तो बेटर है, तो मैंने वैसे किया। वन एग्जांपल, मैंने सुबह दूध मांगा तो उस लेट हो गया, दोबारा जब मैंने बोला तो टीचर सिस्टम ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं लाके दे दू, ओ सॉरी मैं भूल गई। मतलब एक जो घर की जो रिलेशन होती है ना, मतलब जैसे मम्मी करती है, बेटा करता है, भाई करता है, ऐसा रिलेशन मुझे यहाँ की लेडीज का जो भी है, मतलब इस तरह से मुझे मिला। तो सेना का दर्द जो है वो अमर हो जाता है, लेकिन ये दर्द तो ऐसा था कि ना हमको मेडल मिलता ना कुछ मिलता, अगर हमको सूरी सर नहीं मिलते, लक्ष्मी नारायण नहीं मिलते, आप लोग अगर हमें इस तरह से सजेस्ट नहीं करते तो मैं तो सोचता हूँ कुछ दिन के बाद में कुछ और ही हो गया था। तो राइट टाइम पे हम आए,
और मैं देख रहा हूँ अंबाला सिटी में इस तरह की बिल्डिंग। तो मैं यहाँ से गुरुद्वारे भी गया हूँ और मुस्लिम दरगाह वहां भी गया हूँ, आजू बाजू मैंने देखा, लेकिन मैंने इतना सुंदर हर चीज को इतना प्लान किया हुआ है। और सर इन शॉर्ट आपका, मेरे हिसाब से आपका ग्रेड है ओ। ओ के आगे कोई ग्रेड नहीं होता वर्ल्ड के अंदर, दैट मीन्स यू आर आउटस्टैंडिंग। और उसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सूरी जी आपको मेरी तरफ से बहुत बड़ा जय हिंद। हमारी सेना जय हिंद बोलती है। मैं एक टीचर हूँ, एनसीसी कैडेट हूँ और मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ, लीडरशिप पैदा करता हूँ। तो आप मेरे डॉक्टर हैं लेकिन गुरु का दर्जा मुझे, डॉक्टर गुरु के समान है, अब डॉक्टर भगवान के समान है, टीचर भगवान के समान है, ऐसे दुनिया में सब भगवान ही है। लेकिन सूर्य जी जो आपने प्लान किया है ना, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और खास करके यहाँ की जो भी स्टाफ है, ये आपके अफसर में मैंने उनको काम कर, क्योंकि मैं भी एक रिकग्नाइज कंपनी में काम करता हूँ, स्कूल में काम करता हूँ, काम बहुत चोरी होती है। मैडम जब नहीं होती है, ग्राउंड पे नहीं होती है, तो क्लास बंक हो जाती है, क्लास में आवाज आने लगती है। लेकिन यहाँ तो हम सिंगल फोन करते थे, इरफान ने कहा रात में 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने कहा रात में अगर कोई तकलीफ हो गई सर फोन करना। अरे रात में तकलीफ क्या, मैं सो गया, मैं तो सुबह उठा, मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मतलब इतना रिजर्व सब कुछ करके रखा कि आपको कोई कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैं गुरुद्वारे जाके आया, दरगाह जाके आया, कल भी घूमा मैं। और मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप सेवा कीजिए। धन्यवाद। सर आपने ऑपरेशन करवाया बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी जो पेन पहले आपको थी अभी और पेन रिलीफ है, तो जी आप और लोगों मतलब कोई डर के मारे कोई शर्म के मैं मारे ये ऑपरेशन नहीं करवाना मतलब कि नहीं कर पाते। मेरे रिलेशन में इतने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, 6 6 महीना लोग छुपाते हैं, मैंने भी 6 महीना छुपाया, वाइफ को भी नहीं बताया, बेटे को भी नहीं बताया। लेकिन 6 महीने के बाद में जब राज खुलता है ना, तो बात नहीं बनती है। तो इंशाल्लाह आने वाले कल में मैं उसको पूछूंगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है, भाई थोड़े पैसे लगेंगे, थोड़ी दूर है। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक आदमी पागल हो गया और वो कहने लगा भगवान कहाँ मिलेगा, सबसे पूछता था भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा। तो लोग बोलते हैं पागल हो गए, भगवान भगवान क्या जमीन पे मिलता है क्या, ऐसे सब लोग उसको धुतकार देते थे, भगा देते थे। एक आदमी ने बोला चलो इसको जवाब दे देते हैं, बोले ये इमली का पेड़ देख रहा है तू, बोला हाँ, बोले तू उसके नीचे बैठ जा, उसके अंदर जितने पत्ते हैं ना उतने साल के बाद तेरे को भगवान मिल जाएगा। वो बंदा वहां पे बैठ गया, ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। उसको विश्वास हो गया कि ये पत्ते जितने हैं उतने साल के बाद में मुझे भगवान मिलेंगे। तो जब मुझे लक्ष्मी नारायण जी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहां जाओ, 1 रुपया लेके जाओ, आपका इलाज वही होगा। तो सूरी जी भगवान से आपका दर्जा कम नहीं है, और लक्ष्मी नारायण जी और हमारे दोस्त विक्रम सिंह, ये 3 लोगों की हमारी टीम है जिन्होंने मुझे यहाँ पे रिफर किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और लक्ष्मी नारायण जी का और सूरी साहब का और यहाँ के सारे स्टाफ का।